आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मंजूर विसान ने कहा है कि जिस तरह हुकूमत ट्विटर से चलाई जा रही है, इस तरह हुकूमतें नहीं चलाई जाती। इमरान खान से अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। इमरान खान को इनकी अपनी पार्टी की तरफ से उलझन का शिकार करवाया जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं की तरफ से ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे जिससे इमरान खान की अहमियत खत्म हो जाएगी। मंजूर विसान ने कहा कि इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पहली वाली पोजीशन खत्म होती जा रही है। इमरान खान को सोच समझकर फैसले करने चाहिए। ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में इमरान खान के फैसले ना माने जाएं और इन्हें सियासत से भी हाथ धोना पड़े। इमरान खान को लाने वालों के लिए आगे चलकर परेशानी बढ़ जाएगी। वो बहुत जल्द महसूस करेंगे कि इमरान खान को लाना इनकी गलती थी। इमरान खान से सियासतदानों को बदनाम करवाने के बाद इनकी छुट्टी करवा दी जाएगी। रहनमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि 2019 और 2020 में इमरान खान से गलत काम करवाए जाएंगे। 2020 इमरान खान और इसकी हुकूमत के लिए कड़वा साल साबित होगा। जून के बाद हालात ऐसे होंगे कि इमरान खान खुद ही इस्तीफा दे देंगे और इनसे इस्तीफा दिलवाया जाएगा। हो सकता है कि इमरान खान की जगह शाह महमूद कुरैशी को नया वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए। साबिक सूबाई वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ जो बातें कर रही है वो समझ से बाहर हैं। कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पैसे देंगे तो बाहर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बात पर हंसी आ रही है, वो बस हवा में फायर कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अल्लाह।